हेलो गाइस, मैं प्रियल, आपका प्रियल मैम रीजनिंग पे बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करने जा रहे हैं आज हम अपने बैंकिंग। अब लास्ट आपका इसे आपको बताइए, आज कल आपका पीईटी का जो एडमिट कार्ड है वो आपका रिलीज हो चुका है, ठीक है? पीईटी प्री ट्रेनिंग एडमिट कार्ड जो रिलीज हो चुका है, तो अब कुछ ही दिन है, मतलब नेक्स्ट वीक आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा एसबीआई क्लर्क का, ठीक है? तो आपके पास अराउंड 15 डेज बचे हैं। 15 डेज में आपको कौन से स्कोरिंग टॉपिक है जो आपको पढ़ने चाहिए, हम वही स्कोरिंग टॉपिक डेली लेके आऊंगी मैं आपके सामने, वही फिक्स क्वेश्चन कराऊंगी जो आपके एग्जाम में आते हैं। अब आप लोग बिल्कुल ध्यान सुनिएगा इस बात को, आपको केवल यही टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है अपनी किताबों से, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। लास्ट के 15 डेज में कुछ भी नया पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। जो ये टॉपिक्स मैं करवा रही हूँ आपके स्कोरिंग टॉपिक्स है, जैसे आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने, एक आपका रीजनिंग में 5 नंबर का सवाल आता है, यहाँ से आपके सीधा 5 नंबर का सवाल आता है, फिक्स सवाल है, 5 नंबर का फिक्स सवाल आता है रीजनिंग के अंदर, आपका फिक्स है, आना ही आना है, 110% श्योर है ये आपका। अल्फाबेट नंबर अरेंजमेंट, ये एक बैंकिंग रिलेटेड आपका टर्म है, यहाँ पे एक आपका अरेंजमेंट आता है, आपको जिसने बैंकिंग का एग्जाम पहले दिया है उसको पता होगा, ये सवाल आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, इजी होते हैं, 5 नंबर के फिक्स से आते ही आते हैं, ठीक है? तो शुरुआत करने से पहले आप सभी लोग शेयर कर दीजिए क्लास को फटाफट से, एक बार सभी लोग लाइक का बटन दबा दीजिए, और अगर आप नए हैं आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तुरंत आप सभी लोग सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। शुरुआत करते हैं, हम लोग शुरुआत ही क्वेश्चन से ही करेंगे, ठीक है? क्योंकि बैंकिंग में थ्योरी का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन का मतलब है। सवाल की शुरुआत करते हैं, पहला सवाल आपके सामने ये रहा, सवाल देखिएगा बहुत अच्छे से, सवाल को देखिएगा, दिए गए अनुक्रमांक में ऐसे कितने 6 हैं जिनके तुरंत पहले 7 अंक नहीं आता और उसके तुरंत बाद एक सम संख्या आती है। अब देखो इस सवाल को लिखने का मतलब देखना, इंग्लिश में समझ लीजिए, हाउ मैनी 6 आर देयर इन द सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय इवन नंबर बट नॉट प्रीसीडेड बाय 7। देखो किसकी बात हो रही है, 6 की बात हो रही है, 6 की बात क्या हो रही है कि 6 से पहले 7 ना आए, ठीक है, 6 के बाद इवन आए। आप सेम ये डायग्राम कॉपी पे बनाओगे, सेम टू सेम ये डायग्राम, जैसा मैंने ये बोर्ड पे लिखा है आप सेम ये डायग्राम कॉपी पे बनाओगे, इससे कि देखना आसान होगा कि 6 से पहले 7 नहीं आना चाहिए पर 6 के तुरंत बाद एक इवन संख्या आनी चाहिए। ध्यान देना प्रीसीडेड का मतलब क्या होता है, प्रीसीडेड, देखो प्रीसीडेड का मतलब क्या होता है, पहले वाला, पहले, और फॉलोड का मतलब क्या होता है, बाद में, ये बात ध्यान रखना, फॉलोड मतलब बाद में। इंग्लिश वालों जो इंग्लिश में पेपर देते हैं वो ध्यान दीजिए, प्रीसीडेड का मतलब है 6 से पहले, फॉलोड का मतलब है 6 के बाद, 6 से पहले 7 नहीं आना चाहिए, 6 के बाद आपका आपका कितना आना चाहिए, इवन आना चाहिए। तो ऐसा कितनी बार हुआ है, ऐसा कितनी बार हुआ है, अगर आप देखोगे, देखो सीक्वेंस देखोगे आप लोग, तो आप कैसे देखोगे सीक्वेंस, देखिए क्या है, 6 6 4, सीधा नजर दे 6 पे, 6 कहां कहां पे है, 6 पे नजर डालिए पहले, तो 6 कहां कहां पे है, फिर आप देखिए 6 से पहले कहां पे 7 नहीं है, तो 6 6 4 एक संख्या है, एक सीक्वेंस है, और एक है आपका 3 6 2। ऐसा दो बार हुआ है कि 6 से पहले 7 नहीं आया और 6 के बाद एक इवन संख्या है, ऐसा आपका दो बार किया है, तो आंसर आपका 2 हो जाएगा। सवाल समझ में आया, मेन चीज थी इस डायग्राम को बनाना, ये डायग्राम आप कॉपी में बनाएंगे, जब सवाल को पढ़ेंगे पढ़ते समय ही कॉपी बना लीजिएगा उस डायग्राम को, 6 से पहले 7 नहीं, 6 के बाद इवन नंबर, पहला सवाल आपका ये रहा। दूसरा सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगला सवाल देखिए, एक ये सवाल भी आता है आपके एग्जाम में, देखिएगा बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें आपका अल्फाबेट भी आता है और इसमें आपका नंबर्स भी आते हैं। सवाल क्या है, ये सीक्वेंस रखा है, देख लेती हूँ मैं एक सेकेंड, है ना, सीक्वेंस है आपका 749 559 920, क्या है, 920 297 और 328, पूछा क्या है, इन सबको प्लस करने पर सबसे छोटी वैल्यू क्या आती है, सबको प्लस कर दीजिए। अब देखो सबसे बड़ी गलती ये मत करना, इसको कॉपी में लिखो ना, कॉपी में लिखो, सीधा स्क्रीन पर देख के लिखोगे प्लस, सबको प्लस कर लीजिए, सबको प्लस करोगे तो कहाँ आएगा, आपको साफ साफ दिख ही रहा होगा कि अब छोटा वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 9 2 9 और 2 9 10 11, 3 और 3 2 5, 8 8 और 4 12 और 13, ये क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू, सब छोटी वैल्यू क्या है, सम करने पर प्लस 7 प्लस 4 प्लस 9, ऐसे करेंगे सम, 5 प्लस 4 प्लस 9, सबको सम करेंगे, छोटी वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये आ जाएगी 920।
920 सम करने पर 9 और 2 11 हो जाएंगे. क्लियर हो गया? आपका सही आंसर ये हो जाएगा. सभी को सवाल क्लियर हो गया होगा? सभी को सवाल आपका क्लियर हो चुका होगा. ठीक है, अगला सवाल देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई सी के अंदर. अगला सवाल कुछ इस जैसा ही, ये लीजिए आपका अगला सवाल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अगला सवाल बहुत ध्यान से देखिएगा. सवाल इसी संबंधित है, सवाल आपका इसी से रिलेटेड है. देखो सवाल देखिएगा. इफ द सेकंड, अगर प्रत्येक संख्या के दूसरे और तीसरे अंक उसी संख्या के अंतर परिवर्तन किए जाए तो निम्न में से कौन सी संख्या 3 से बिल्कुल विभाजित होगी. अब देखना यहाँ आपको घुमाया गया है, केवल और केवल घुमाया गया है. इसमें सवाल देखिए क्या है आपका, 729 749 559 920 297 328. अब बताइए 3 से डिवाइड करने के का हमारे पास इंटरचेंज करने से कोई मतलब नहीं है. इंटरचेंज करो चाहे ना करो, डिवाइड तो होना है तो होके ही रहेगा वो. क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सबका सम जो है डिवाइड होना चाहिए 3 से. तो कैलकुलेटर जी क्या हो जाएगा भाई, ये वाला 27, ये वाला क्या हो जाएगा, ये आपका डिवाइड हो, 9 10 11 11 प्लस 7 क्या होता है 18, और 18 आपका 3 से डिवाइड बाय होता है. ठीक है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा. इसमें आपको सोचने वाली बात नहीं है, तो ये गलती ना करिएगा. कौन सी वाली, कि आप लोग पहले इसको इंटरचेंज करना, इंटरचेंज की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे. ओके, चाहे इंटरचेंज करो चाहे मत करो, हमें केवल सम को मतलब टोटल प्लस को कैलकुलेट करना है. प्लस करके अगर 3 डिवाइड हो रहा है तो वो हो जाएगा, सिंपल चीज. ये यहाँ पे ट्रिक थी, ये आपको टाइम बचाने की ट्रिक थी. बहुत बच्चे इसमें टाइम वेस्ट करेंगे, पहले इंटरचेंज करेंगे फिर देखेंगे कौन सा डिवाइड होगा नहीं होगा. अगर आप स्मार्ट होगा तो सीधा बिना इंटरचेंज करे ही आप सीधा प्लस करके देख लोगे कि कौन सा वाला डिवाइड हो रहा है. अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है. अगला सवाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा क्या है आपका सवाल, पढ़ लेते हैं एक बार. सवाल देख लेते हैं, अगर प्रत्येक संख्या का पहला और तीसरा अंक उसी संख्या के अंदर परिवर्तित हो, पहला और तीसरा मतलब 97, देखो 97 95 02 और 7 और 2 और 8 और 3. देखो तरीका देखिए मैं कैसे लिख रही हूँ. पहले देखो, अगर आप साथ साथ लिखोगे नंबर्स को कंफ्यूज हो जाओगे. पहले लिख लीजिए इंटरचेंज वाली, अब बीच वाली 4 5 2 9 और 2. देखो जल्दी से लिख गया, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. अब पूछा गया है तब निम्न में से कौन सी संख्या अंतर परिवर्तन होने के बाद बड़ी से और छोटी संख्या के बीच का अंतर होगी. सबसे बड़ी क्या है, 9 55 9 55 को माइनस कर दी छोटी छोटी से, 0 22 0 22 कितना हो जाएगा, 9 ये 3 ये और 4 ये, यही होगा 9 5 4 बिल्कुल. 0 2 9 है ये, 0 2 9 है ये. कितना हो जाएगा, 15 में से 9 गए 6 होगा 6 4 में 2 गए 2 और 9, 9 26 आपका आंसर हो जाएगा. समझ में आई मैं सॉल्व कैसे करूं? बेटा आपको मुझे पता है आता होगा, केवल सॉल्व करने का तरीका देखिएगा. कैसे सॉल्व किया मैंने, पहले चेंज कर लिया इसको पहले इंटरचेंज वाला लिख लिया और फिर बीच वाली संख्या लिखी. इससे क्या होगा, टाइम बचेगा आपका टाइम बचेगा. आप चेक करके देखिएगा, अगर आप साथ साथ करके देखते जाएंगे तो आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा. अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी मिस्टेक कम होगी और टाइम कम लगेगा. अगला सवाल देखते हैं हम इसके अंदर का. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है. एक सेकेंड, अगला सवाल ये रहा. सवाल अभी भी सेम ही है. सवाल क्या है, सेम डायग्राम है. इसके अंदर पूछा क्या है आपसे, निम्न में से कौन सी संख्या में तीसरे अंक से पहले अंक का दूसरा सबसे छोटा है. मतलब निम्न में से कौन सी संख्या में तीसरे अंक से पहले का दूसरा सबसे बड़ा है. बेटा सवाल समझ में नहीं आया लग रहा है मुझे, सवाल समझिएगा एक बार फिर देखिए क्या बोलना चाह रहा है. निम्न में से कौन सी संख्या में तीसरे अंक से पहले अंक का अंतर, तीसरे अंक से पहले अंक का अंतर दूसरा सबसे बड़ा है. क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है बेटा, हिंदी में क्वेश्चन क्लियर नहीं है. ये वाला हिंदी में क्वेश्चन क्लियर नहीं है. अगर आपको क्लियर हो रहा हो तो बताइएगा मुझे. ठीक है, सवाल मुझे तो क्लियर हुआ नहीं. ये वाला क्या पूछने की कोशिश कर, देखो कभी कभी ये हो जाता है कि हिंदी में थोड़ा टफ पड़ जाता है सवाल,
मेरे को थोड़ा हिंदी में टफ पड़ता है, इंग्लिश में सुटेबल रहता है। तो आपको जिस लैंग्वेज में सुटेबल है उस लैंग्वेज में सवाल करिएगा। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि मुझे हिंदी में इतना क्लियर नहीं हो रहा है कि सवाल का मतलब क्या होगा। अब आप लोग का काम क्या है, आप लोग निकालिएगा। आप लोग की हिंदी स्ट्रांग है तो आप लोग निकालिएगा इस सवाल का मतलब क्या है, ठीक है। ये आपका काम है। हो सकता है सवाल में कुछ मिस्टेक भी हो, हो सकता है सवाल में कुछ मिस्टेक भी हो। अगला सवाल देखते हैं हम लोग अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल देखिए, अगर प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंक उसी संख्या में अंतर परिवर्तित किए जाएं, पहला और दूसरे को इंटरचेंज करें, तो निम्न में से कौन सी संख्या अंतर परिवर्तन के बाद सबसे छोटी, सबसे नहीं दूसरी सबसे छोटी होगी। देखो इस सवाल कैसे करेंगे, इस सवाल को मतलब सेकंड स्मॉलेस्ट पूछ रहे हैं। इंटरचेंज कैसे करें पहले और दूसरे को, अब देखना पहले दूसरे को इंटरचेंज करें। अब आप देखिए पहले वाले पे मतलब ये संख्या यहाँ आने वाली है, मतलब सात कहाँ जाएगा यहाँ पे, ऐसा होने वाला है 4 7 5 5 2 9 9 2 और 2 3। अब लिख लो 9 9 0 7 और 8। अब देखिए सबसे छोटी क्या है, सबसे बड़ी ये, उसके बाद आपकी ये वाली है। ये क्या है, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। क्या है भाई, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर आपका ये हो गया। सिंपल आई बात समझ में। पहले आप इंटरचेंज वाला लिख लीजिए केवल, और फिर जो रिमेनिंग है वो लिख लीजिए। आंसर निकालना आसान रहेगा आपके लिए। ये आपका सही आंसर है, मतलब ये वाली वैल्यू सही आंसर क्या हो गया आपको, ये वाला सबसे बड़ी ये है और उसके बाद आपकी यही वैल्यू आएगी, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर आपका यही रहेगा। क्लियर हो गया। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा इसका जवाब क्या हो जाएगा। ये लीजिए आपका अगला सवाल, फटाफट से अगला सवाल आपके सामने। एक ही अलग टाइप का पैटर्न है, एक ये भी सवाल है जो आपके, देखो जितने भी टाइप के सवाल मैं करवा रही हूँ सभी टाइप के सवाल आप करके जाइएगा, क्योंकि यही एग्जाम में आते हैं। ये एग्जैक्टली बैंकिंग पैटर्न पे मैं सवाल करवाने वाली हूँ, रेगुलर 15 दिन तक करवाऊंगी आपको, सेम टू सेम वही पैटर्न जो एग्जाम में आता है, सेम टू सेम। तो आप क्या करें, सेम टाइप पे क्वेश्चन लगा लें बस। अगर आप, अगर आपको आते हैं तो आप अगर सेम टाइम पे क्वेश्चन लगा लोगे तो आपका प्रैक्टिस में आ जाएगा ये चीजें, आपके ये चीजें प्रैक्टिस में आ जाएंगी। सवाल देखिए अपना, हाउ मेनी सच डिजिट्स आर देयर, क्या है 6 8 6 8 2 5 7 9 1। पहले इसको कॉपी में लिखना। देखो सबसे बड़ी गलती क्या करते हो आप लोग, स्क्रीन से, नहीं स्क्रीन से मत लिखना, सबसे पहले इसे कॉपी में लिख लेना इस नंबर को। अब क्या लिखा हुआ है, इसको पहले अरेंज करना है, किसमें असेंडिंग ऑर्डर है, मतलब छोटे से बड़े में अरेंज करना है इस असेंडिंग ऑर्डर में, फिर देखना है कौन सा नंबर चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, 1 2 1 2 ये काटते जाओ, 1 2 5 6 7 8 9। अब देखो कौन सा वाला हो गया, अब देखिए कौन सा वाला हो जाएगा नंबर, चेक कीजिए फटाफट से। ये तो नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये सेम है, ये आपका सेम हो गया। तो मतलब एक ही वैल्यू ऐसी है जिसमें एकदम सेम रहेगा। क्या लिखा हो, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द नंबर ईच ऑफ विच एज फार अवे फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द नंबर एज व्हेन डिजिट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, जब इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तब ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, तो क्या हो जाएगा आपका ये सेम, ये वाला हो जाएगा। ये यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, दोनों जगह सेम ही रहा है, बाकी सब में चेंज हो गई है। आई बात समझ में। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा आपके सामने ये रहा, वापस से थोड़ा सा अलग सवाल है, ये भी थोड़ा सा अलग सवाल है, कोशिश कीजिएगा इसको समझने की अब, ठीक है। सवाल को कोशिश कीजिएगा समझने की। सवाल क्या है, निम्न 5 में से 4 किसी भी प्रकार की, अच्छा इसमें ऑप्शन मिसिंग है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है आपके पास LBT SPA IJF PZI BM और Q। मैं लिख देती हूँ आपके बारे में सीरीज, क्या है आपकी ELRTBQSMAPDI, फिर क्या है ZFJKGY और U। आपको ये सीरीज नोट नहीं करनी, ध्यान दीजिएगा, आपको ये चीज नोट नहीं करने, कुछ भी नोट नहीं करना, आपको सीधा स्क्रीन से काम करना है। आपको बताना इनमें से सबसे अलग क्या है। देखो एल ये रहा, बी ये रहा, एल और बी में 2 का गैप है, फिर टी, बी जस्ट ऊपर क्या है टी, तो क्या चेक करो सबसे पहले कि बी और टी कैसे हैं उल्टे,
बी और टी ऐसे लिखे हैं, यहाँ पे जैसे उल्टे लिखे हुए हैं, पी और ए उल्टे लिखे हैं, ठीक है। जे और एफ उल्टे लिखे हुए हैं, ठीक है। जेड और आई भी उल्टे लिखे हुए हैं। एम और क्यू, एम एरा क्यू एरा, यहाँ पे गैप आ गया, एम एरा क्यू एरा, यहाँ पे गैप आ गया, यही आपका अलग ऑप्शन हो जाएगा। आई बात समझ में? जो चीज ज्यादा आसान होती है देखना उसको चेक करें, अगर आप इसमें गैप देखते टाइम ज्यादा लगता आपका, इसको देखना ज्यादा आसान था। बी टी उल्टा जस्ट, पी ए उल्टा, जे एफ उल्टा, जेड आई उल्टा, एम क्यू उल्टा। क्लियर हो गया आपको सवाल? अगला सवाल देखते हैं कुछ इस टाइप का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, निम्न दिए गए वर्णमाला श्रृंखला पे आधारित है, ठीक है। अगर किसी भी रूप से मैं ई टी आर क्यू से रिलेटेड है, अच्छा ई टी का असंबंध जिस प्रकार से आर टी से है, ई क्यू का आर टी से है, सेम सीरीज है आपकी, सेम सीरीज है। ऑप्शन देती हूं मैं आपको, ऑप्शन है आपके एम पी डी जेड ए डी ए आई ए डी डी जेड ए डी डी ओ जे, ठीक है। अब आपसे क्या बोला गया है, जिस प्रकार से ई टी आर क्यू से रिलेटेड है और आपका ए आई डी एफ से रिलेटेड है, आपको बताना एस पी का संबंध किससे होगा, एस पी का संबंध किससे होगा। आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप क्या सोचेंगे। ई और टी, ई और टी में दो का गैप है, आर और क्यू, आर और क्यू में दो का गैप है, ए और आई, ए और आई में दो का गैप है, डी और एफ, डी और एफ में दो का गैप है, सोचेंगे ऐसे। पर ये सोचिए यहां से यहां कैसे गए, देखो आर टी बिल्कुल, ई और टी ये रहा, टी से एक पहला लिया, आर और क्यू बिल्कुल सही है, ए और आई ये रहा, ए आई से एक, आई से एक पहला लिया, डी और एफ बिल्कुल सही है, एस पी ले लिया, एस और पी कहां है, एस और पी दो का गैप है, पी से एक पहला क्या है, ए है, पी से एक पहला क्या है, ए है, और दो का गैप आई हो गया, दो का गैप आई हो गया, ए आई बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर हो गया? ये दोनों लिए, इसका जस्ट एक पहला वाला लेंगे, क्या टी से जस्ट पहला वाला क्या है, आर है, आर क्यू में देख लिया, ए आई लिया उससे जस्ट पहला वाला डी और एफ में देख लेंगे। क्लियर हो गया सवाल आपको? सवाल समझ में आ गया? अगला सवाल देखते हैं इसी प्रकार का एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको बताना है, इस सीरीज के बाद क्या आएगा। अब ये सीरीज लिखी हुई है आपके सामने, इसके बाद क्या आएगा, इसी को देखते हुए, इसी को देखते हुए बताइए सवाल का जवाब फटाफट से। हर एक सवाल को अच्छे से करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, जैसा आपके एग्जाम में आता है सेम वैसा करवाना चाह रही हूँ मैं आपको। मैं चाहती हूँ एटलीस्ट आपको उस लेवल तक का तैयारी करवा दूं, एटलीस्ट आप एसबीआई क्लर्क, देखो अगर आपने अभी तैयारी करनी पाई है तो मैं आपसे यही बोलूंगी कि हो सकता है एसबीआई क्लर्क निकले या नहीं निकले, लेकिन इतना जरूरी है अगर आप तैयारी करना शुरुआत कर देंगे तो अभी आपके पास एग्जाम्स बहुत सारे हैं बैंकिंग के, अभी केवल शुरुआत हुई है बैंकिंग के एग्जाम्स, ये आपका बैंकिंग का पहला एग्जाम पड़ेगा इस साल का, अभी शुरुआत हुई है, बहुत पेपर आएंगे, मतलब 2020 खत्म होने से पहले पहले आपकी नौकरी लग जाएगी बैंक में, इतनी श्योरिटी मैं दे सकती हूँ आपको, ठीक है। देखिए सवाल, देखिए सवाल है आपके पास, ई आर एल बी टी एम एस आई आगे क्वेश्चन मार्क, बताइए क्या आएगा। सेम रिलेशन वही देखना है, इसको अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग रिलेशन देखना है। अब ये मत सोचना ये 9 है, ये 18 है, ये 2 है, एल एम एल एम ये 12 है, ऐसा नहीं सोचेंगे, ऐसा नहीं सोचना। ई और आर, ई एरा आर एरा, एक का गैप है, ठीक है। आर से एल गई, ई और आर में एक का गैप था, दो का मतलब ई और आर है प्लस का 2, आर से यहां गई माइनस 1 का, एल से बी, एल से बी में प्लस का 3 का गैप है, बी से टी माइनस का 1 है, तो सीरीज समझ में आ गया, प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 आगे प्लस का 6 हो जाएगा, आई से पहले डी, डी में प्लस का 6, 1 2 3 4 5 6 जी, डी और जी आंसर आएगा, क्या जाएगा आपका आंसर, डी और जी प्लस के 6 के साथ, यहां माइनस का 1 तो कितना हो गया, आई से एक पहले डी, डी में प्लस का 6 करेंगे जी आ जाएगा, डी जी आपका सही आंसर है। तो ये ध्यान रखना किसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। अगला सवाल देखिए फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए। ये सवाल भी आता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा, इसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज होंगे देखना, इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं देखना इस सवाल को। सवाल आपका क्या है, कंपेयर शब्द का हर अक्षर वर्णमाला क्रम के अनुसार बाएं दाएं जोड़ जमाइए, मतलब कंपेयर को पहले जमाएं, कंपेयर, अब आप पहले शब्द को लिखेंगे फिर काटेंगे, ए लिख दिया, ई लिख दिया, नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है, फिर सॉरी सी लिख दिया,
सी फिर ई लिख दिया, सी ई हो गया। अब ओ एम पी आर, पहले एम एम एन ओ पी और आर, ठीक है ये लिख दिया सारे सारे। अब क्या लिखा हुआ है, अब क्या किया, जितने भी वॉवेल्स है उनका एक बाद वाला लिखा, वॉवेल का मतलब ए का बी हो गया, ई का एफ हो गया, ओ का पी हो गया, और कॉन्स्टेंट का एक, सॉरी कॉन्सोनेंट का एक पहले, अब बी सी का एक पहले बी हो गया, एम का तेरह, तेरह का एक पहले ग्यारह, बारह, बारह का मतलब एल, पी क्या होता है पी सोलह, पंद्रह का मतलब ओ, आर होता है अठारह, अठारह का मतलब सत्रह, सत्रह का मतलब क्यू। अगर आप ऐसे सोचोगे आर से पहले ही कहते टाइम लगेगा, अगर आपको नंबर याद होगा नंबर से आप करोगे जल्दी आसानी से हो जाएगा। ये आपको लग रहा होगा बेफालतू की चीजें, पर यही ट्रिक्स है बेटा, यही ट्रिक्स है। अगर आपने सोचा होगा कि आर से पहले क्या आएगा तो आपको टाइम लगेगा सोचने में। अगर आपको पता है आर का नंबर 18 होता है, 18 से पहले 17, 17 का मतलब क्यू। अगर आप ऐसे सोचोगे बहुत क्विक काम होगा। अब सवाल में पूछा क्या है कि राइट से पांचवा, एक दो तीन चार पांच, क्या हो गया आपका आंसर एफ हो गया, क्या हो गया आपका आंसर एफ हो गया। अगला सवाल आपके लिए है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सेम टू सेम इसी प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये लीजिए आपका सवाल, सवाल आपके सामने, नीचे सीरीज ऊपर दे रखी है, क्वेश्चन नीचे है, सीरीज आपकी ऊपर है क्वेश्चन नीचे है, जरा देख के बताइएगा इसमें क्या हो जाएगा। सेम वही है, सीरीज क्या है आपकी देखिएगा, सीरीज सेम टू सेम देखिएगा आप लोग, सीरीज क्या है आपकी, क्या है टी डी जे यू एन के और क्वेश्चन मार्क। सोचिए टी से डी कैसे गए, टी और डी में प्लस का टू का गैप है, प्लस का टू हुआ, डी से जे कैसे जाएंगे माइनस का वन हुआ, जे से यू गई में, जे से यू में एक दो तीन, तीन का गैप प्लस का थ्री, सेम ये माइनस का वन, ये प्लस का फोर, ये माइनस का वन, केस जे सॉरी केस एक माइनस करिए कितना हो जाएगा ए, ए में प्लस का फाइव कर दीजिए वो आपका आंसर हो जाएगा, ए में प्लस का फाइव कर दोगे वही आंसर हो जाएगा, आंसर ए आर आएगा शायद, चेक कर लीजिएगा ए आर आपका शायद आंसर आएगा, ए में प्लस का फाइव करोगे आर आ जाएगा। क्लियर हुआ सवाल कैसे करेंगे, सीरीज को देखते हुए हमें सवाल करना है, क्लियर हो गया। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, ये सवाल आपको घर से करके लेके आना है, ये सवाल आपको घर से करके लेके आना है, सेम टू सेम वैसा ही सवाल है जैसा अभी अभी मैंने कराया। तो ये था आपके वो सवाल, सभी लोग इस सवाल का स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे, अब कोई भी बहाना नहीं चाहिए आपका। रेगुलरली 7 बजे क्लास अपलोड हुआ करेगी, डेली शाम को 7 PM, ठीक है, डेली 7 PM आपको क्लास अपलोड हुआ करेगी। रेगुलरली एक नया कंसेप्ट आपको सिखाऊंगी, तो डेली आप लोग इस क्लास को आइए, विजिट कीजिए, डेली विजिट कीजिए इस क्लास में, कम से कम क्लास को 2 से 3 बार देखोगे समझ में आएगा। केवल वही सवाल करवाऊंगी जो एग्जाम में आते हैं, इसके अलावा कोई सवाल नहीं एक्स्ट्रा। देखो अगर आपने पेपर दिया है तो आपको पता होगा इस टाइप के सवाल बहुत बार एग्जाम पूछे जाते हैं, बहुत बार, मतलब ये समझ लीजिए ये सवाल हर साल एग्जाम में आते हैं, ये समझ लीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता हो ये क्लास यूजफुल है, शेयर कीजिए दबा के, लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रियल मैम रीजनिंग पे ये क्लास रेगुलरली आपके 7 बजे अपलोड हुआ करेगी शाम को, ठीक है, सभी लोग आए विजिट करें, क्लास में पढ़ने का मजा आ जाएगा, पता सच बता रही हूँ, बाय गॉड है, मतलब सच में मजा बता रही हूँ, मजा आ जाएगा पढ़ने का। शेयर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए तुरंत, ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, ठीक है, वापस से मिलेंगे हम लोग अपनी क्लास के अंदर, बाय बाय, शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है, बाय बाय।